ये देखिए मैंने घिया लिया है और इसे लौकी भी बोलते हैं, तो मैं इसका कोफ्ता बनाऊंगी क्योंकि अभी सीजन इसका बहुत ही अच्छा आ रहा है और बहुत ही ताज़ी ताज़ी घिया देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा घिया है ये, और बिल्कुल पतली सी है। तो जब घिया लें तो देखिए बिल्कुल पतली सी एकदम बतिया सा बना लें, लेकिन बहुत तो ज़्यादा बीज वाला भी ना लें। तो इस तरह का घिया बहुत खींचा है, बहुत बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, मीडियम सी है, अच्छी सी है घिया ये। तो बहुत छोटा सा वाला जो बनाते हैं तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है, इस साइज के घिया में मिठास होता है और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने देखिए धोकर लिया है, दोनों तरफ से काट लिया है, अब इसको इस तरह से छील लेंगे। बहुत सारी घिया जो होती है ना वो कड़वी भी होती है, तो इसे छीलने के बाद थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे कि कड़वी है या मीठी है, क्योंकि कड़वी वाली घिया नुकसानदेह होता है। ये देखिए मैंने घिया को छील लिया है और छील करके इस तरह से काट देंगे और कद्दूकस करेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से बीच से भी चीरा लगा देंगे ताकि कद्दूकस करने में इजी रहेगा। देखिए हमारे कद्दू का जो बीज है बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, इसी तरह के होने चाहिए। तो मैं अब इसको कद्दूकस कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसके गच्छे निकालेंगे। इसी तरह से सारे पूरे कद्दूकस कर लेंगे कद्दूओं का। ये देखिए मैंने कद्दूकस कर लिया है, अच्छे से कद्दूकस हो गया। कद्दूकस करते समय थोड़ा सा हाथों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं डाल दूंगी एक नमक, टेस्ट के अनुसार ही डालेंगे, थोड़ा आधा चम्मच से ज़्यादा मैंने डाल दिया है नमक टेस्ट के अनुसार, ताकि ये गल जाएगा, अभी तो थोड़ा कम हो जाएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसमें जो भी पानी होगा वो पानी सारा निकल जाएगा, तो हमें कोफ्ता बनाने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और तब तक कुछ और काम कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो कद्दूकस करके मैंने रखा था उसको मैंने एक कपड़े में ले लिया है और इसको इस तरह से निचोड़ करके पानी निकाल देंगे। मैंने इसमें नमक डाला था ना, तो इस वजह से इसका पानी निकल जाएगा, ऐसे भी बहुत पानी होता है घिया में। देखिए इस तरह से दबा दबा करके पानी निकाल देंगे। ये देखिए हमारा इतना पानी निकल गया है घिया का। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी ये जो घिया है, देखिए पानी निकालने के बाद का। ये देखिए मैंने अब यहाँ पर ये ले लिया है, इसमें मिक्स कर देते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं देखिए अमचूर पाउडर है, एक चम्मच अमचूर पाउडर डाला है और एक बड़ा चम्मच है धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च का पाउडर है आधी छोटी चम्मच और 1/4 चम्मच है लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच है हल्दी पाउडर। इन सबको डाल देते हैं इसमें। और हरी मिर्च यहाँ पर मैं डाल रही हूँ क्योंकि हमारे घर तो इसको पकौड़े की तरह भी खा लेते हैं, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्च रहेगा थोड़ा सा और चटपटा लगेगा। और यहाँ पर मैं हरा धनिया डाल रही हूँ ढेर सारा। मैंने इसको डंडी के साथ ही काटा है क्योंकि डंडी में ही बहुत अच्छा टेस्ट होता है, इसलिए मैं डंडी के साथ ही काट करके डाली हूँ इसमें। और यहाँ पर देखिए मैंने सौंफ को रोस्ट किया है पहले, रोस्ट करके इसको मोटा मोटा सा कूट लिया है, तो ये भी डाल दूंगी। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ढाबे वाले डालते हैं तो। और यहाँ पर मैं डालूंगी बेसन, बेसन इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच बेसन लग जाएगा, देखते हैं कितना लगता है। पहले मिक्स करेंगे, 4 चम्मच डाल देती हूँ, मिक्स करते हैं उसके बाद देखते हैं कि कैसा है इसका। ये देखिए मिक्स हो रहा है ये, और इसमें ये देखिए अब मैं इसको कोफ्ते बना लेती हूँ इस तरह से गोल गोल से, बिल्कुल गोल गोल से बनाएंगे और एक साइज का बनाएंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। और हमारे घर तो ऐसे ही बनाते बनाते ही खाना शुरू कर देते हैं, बहुत ही पसंद आता है लोगों को ऐसे। तो इसकी सब्ज़ी इतनी पसंद नहीं करते बच्चे, लेकिन ये कोफ्ते हैं वो खा लेते हैं, बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो मैं इसी तरह से सारे कोफ्ते बना करके रख लेती हूँ। ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते बना करके तैयार कर लिए हैं यहाँ पर,
और इसमें आपने देखा होगा मैंने नमक नहीं डाला था। मैंने नमक इसलिए नहीं डाला था क्योंकि घिया में कद्दूकस करने के बाद नमक डाला था, तो इसमें नमक है इसलिए नहीं डाला था। और मैंने लहसुन अदरक भी नहीं डाला है क्योंकि ये व्रत में भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। और दूसरा, मैंने इसमें जो नमक डाला था वो सेंधा नमक था। मैं ज़्यादातर सेंधा नमक ही हमेशा यूज करती हूँ, तो सेंधा नमक है तो ऐसे भी खा सकते हैं और व्रत में भी खा सकते हैं। ये देखिए मैंने एक कढ़ाई रखा है, उसमें तेल रखा है। मैं इसको सेलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी। और जब ये देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें, जब डाले कोफ्ते पहली बार तो उसमें तेज फ्लेम पे मैंने डाला है ताकि फटे नहीं, अच्छे से ये हो जाए। इस तरह से जितना आएगा कढ़ाई में उतना मैं डाल दूँगी एक बार में। ये देखिए एक तरफ से ब्राउन हो जाएगा, फिर मैं उसको पलट दूँगी। ये देखिए कुछ ब्राउन हो गए हैं, इनको मैं पलट देती हूँ इस तरह से। देखिए कलर बड़ा अच्छा सा आया है, गोल्डन सा कलर आ गया है इसमें, तो इसको पलट देती हूँ मैं। ये देखिए दोनों तरफ से गोल्डन हो गया है, अब मैं इनको निकाल लूंगी। ये देखिए अभी जो बचा था हमारे पास दूसरा बना हुआ कोफ्ता कच्चे वाले, वो मैं डाल दूंगी इसमें और इसको भी उसी तरह से गोल्डन फ्राई कर लूंगी। ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा गोल्डन हो गया है दोनों तरफ से। अभी इन कोफ्तों को भी बाहर निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देते हैं। ये देखिए मैंने वही वाली कढ़ाई फिर से ले लिया है, इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाला है और यहाँ पर मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक पिंच हींग लिया है, दो छोटी दालचीनी का टुकड़ा लिया है, एक बड़ी काली वाली जो होती है इलायची वो वाली है, कुछ दाने हैं काली मिर्च के और दो हरी इलायची है और जीरा है और दो तेज पत्ता है। इन सबको मैं डाल दूंगी और हींग भी डाल दूंगी। इसे बहुत ही अच्छा खड़े मसाले के बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इन सबको डाल दूंगी। अभी लो मीडियम पे रखा है क्योंकि मसाले जल जाएंगे तो फिर अच्छा स्वाद नहीं आएगा, इसलिए मैंने अभी लो मीडियम पे रखा है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ सूखे मसाले मैंने लिए हैं। यहाँ पर हल्दी है, आधी छोटी चम्मच हल्दी है और 1/4 चम्मच है लाल मिर्च का पाउडर तिखी वाली, और ये कश्मीरी मिर्च का पाउडर है आधी चम्मच है, और ये भुना जीरा पाउडर है, और यहाँ पर 2 चम्मच भर के है धनिया पाउडर। तो इन सबको मैं डाल दूंगी इसमें, और बिल्कुल फ्लेम कम किया हुआ है ताकि खड़े मसाले बहुत जल्दी जलने लग जाते हैं, तो इस वजह से। और ये देखिए बस 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे ताकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आने लग जाए। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर को कद्दूकस करके लिया हुआ है, 3 टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया था, इसको मैं डाल दूंगी। आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं। देखिए इसको अच्छी तरह से पका लेंगे, अभी तेज फ्लेम है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा जूस होता है, तो अभी फ्लेम तेज किया हुआ है। ये देखिए हमारा मसाला भून रहा है, देखिए इसका जूस सब जूस था सब सूख गया और इसमें ऑयल बाहर आ रहा है। ये देखिए अब इसी समय मैंने ग्रेट किया हुआ है अदरक, वो डाल दूंगी थोड़ा सा, इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, और इसे भी पका लेंगे इसके साथ। इस सब्जी में मसाले के भूनने से ही स्वाद अच्छा आता है, क्योंकि मसाले अच्छे से भूनते हैं तो बिल्कुल ढाबा वाला स्वाद आएगा, और मसाले यदि अच्छे से नहीं भूनेंगे तो फिर वही स्वाद में गड़बड़ी आ जाएगा, बिल्कुल फर्क आ जाएगा। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से भून गया है और इसका ऑयल बाहर आ रहा है, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि और भी अच्छे से भून जाए और इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा से आए। ये देखिए एक चम्मच पानी और मैंने डाल दिया और दोबारा से भून रही हूँ इसको। इसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी इतना अच्छा हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है कि लोग उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने बेसन को भून करके रखा है, पहले से बेसन को भून करके रखा है क्योंकि हमने इसमें प्याज लहसुन कुछ डाला नहीं है, तो ग्रेवी तो गाढ़ी करनी पड़ेगी,
तो इसलिए मैंने ये बेसन रखा है। और बेसन 3 से 4 चम्मच डाल देंगे, जितनी हमें ग्रेवी को गाढ़ी करनी है उसी के अनुसार से डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें मसाले में। ये देखिए इस तरह से, आपको जितनी पतली रखनी है, गाढ़ी रखनी है उसी के अनुसार से डालेंगे। ये देखिए इस तरह से मिला लेंगे। हमारा बेसन भुना हुआ था तो इसलिए ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर मैं डालूँगी पानी, क्योंकि ग्रेवी करनी है तो पानी डालूँगी थोड़ी सी, थोड़ा सा मिक्स करूँगी। ये पानी मैंने जो डाला, ये देखिए ये घिया का जो जूस निकला था वही वाली मैंने डाला है, बिल्कुल प्लेन पानी नहीं डाला है। हम उसको बेकार नहीं जाने देंगे, सारे विटामिन उसमें होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो वो सारे आ जाएंगे ये इस कोफ्ते वाली सब्जी में। ये देखिए यहाँ पर मैं एक कटोरी दही डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल ढाबा वाला टेस्ट आएगा, ढाबा वाले यही करते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसका सारा जो लम्स है आप चाहें तो फेंट के भी डाल सकते हैं, मैं इसी में मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर मैं डाल दूँगी पानी, जो घिया का पानी जो बाकी का बचा हुआ था वो मैं सारा डाल दूँगी इसमें और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी अभी गाढ़ी लग रही है तो मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ। कभी भी गर्म ग्रेवी में ठंडा पानी ना डालें, तो मैं गर्म पानी डाल रही हूँ। अपने देखिए कि भाई ये गाढ़ा हो जाएगा, ये जब मैं डालूँगी कोफ्ता बॉल तो गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ठीक, तो इसलिए मैं पानी अभी डाली हूँ और पतला कर दी हूँ। देखिए इस तरह से अभी थोड़ी देर में बॉयल हो जाएगा ये, फिर मैं कोफ्ते डालूँगी। ये देखिए हमारी ग्रेवी में बॉयल आ गया है, तो मैं यहाँ पे कस्तूरी मेथी ली हूँ और इसको थोड़ा सा क्रश करके डाल दूँगी। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ढाबा वाले भी डालते हैं। और मैं यहाँ पे हरा धनिया भी डाल दूँगी, ये देखिए इस तरह से। और यहीं पर मैं डाल दूँगी ये जो कोफ्ता बॉल हमने फ्राई करके रखा था वो सारा डाल दूँगी इसमें। मेरे घर तो ऐसे ही खाने चले गए कुछ, क्योंकि ये पकौड़े की तरह बहुत पसंद करते हैं हमारे घर पे। ये देखिए मैंने सारा डाल दिया। ये देखिए अभी बॉयल आ गया है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, बहुत हल्का सा फीका है, क्योंकि लौकी के जो जूस था उसमें भी नमक था, इसलिए मैं ज़्यादा नमक नहीं डाल रही हूँ। ज़्यादा नमक डालने से बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है। ये देखिए हमारी ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब 1-2 मिनट सिम करके बिल्कुल लो मीडियम करके ढक्कन लगा देंगे, लीड लगा देंगे 2-3 मिनट के लिए, और उसके बाद गैस बंद करेंगे। ये देखिए हमारा जो फ्राई किया हुआ था ये बचा हुआ, देखिए कितना अच्छा सा है ये। ऐसे ही आप तो ऐसे ही फ्राई करके भी खा लेंगे, बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखिए हमारे कोफ्ते बन करके हो गए हैं तैयार, अब मैं गैस कर देती हूँ बंद और 2-4 मिनट ऐसे ही 5 मिनट छोड़ दूंगी, ताकि जो अंदर और पीना है कोफ्ते पी लेंगे रस, फिर मैं करूंगी प्लेटिंग। ये देखिए हमारा कोफ्ता ग्रेवी बनकर के तैयार हो गया है, बिना प्याज लहसुन का बहुत ही अच्छा बना है। अब मैं पत्ता से सजा रही हूँ इसको, और कहते हैं ना जो दिखता अच्छा है और तो खाने में भी मज़ा आता है, इसीलिए मैं थोड़ी सी मलाई डाल रही हूँ इस पर। ये देखिए हमारा बनके तैयार हो गया है। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।